सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के रिलेटेड फर्स्ट पार्ट में आज हम अटेम्प्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.1। सभी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लो तो ताकि हर वीडियो का अपडेट आपके पास सबसे पहले आए। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने प्रीवियस वन पार्ट में इसका बेसिक किया है, उस बेसिक में हमने सभी आइडेंटिटीज को अटेम्प्ट किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है टू क्यूब्स इज ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट टू एंड, दोनों ज्वाइन किए जाते हैं। ऐसे आपके पास आने के बाद जो सर क्यूबोर्ड आता है उसको आपको रिजल्टिंग सरफेस एरिया बताना है। ओके, जैसे आपके पास ये है, आपके पास फर्स्ट क्यूब, ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्यूब है। ओके स्टूडेंट्स, देखो इस क्यूब को हम अटैच करेंगे फिर नेक्स्ट वन के साथ, तो ये आपके पास आपको पता है ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे आपके पास ये आपका क्यूबोर्ड आएगा, ठीक है। और ईच ऑफ वॉल्यूम क्या है, ईच ऑफ वॉल्यूम यह है 64 सेंटीमीटर क्यूब, प्रत्येक का वॉल्यूम है। तो यहां आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कैसी शेप है, ये हमारे पास क्यूब है। तो वॉल्यूम आपके पास क्या होता है, साइड क्यूब, इधर से आपके पास 64 क्या आएगा, 4 क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, यानी इसकी साइड की वैल्यू क्या हो जाती है, साइड हमारे पास हो जाती है 4 सेंटीमीटर। तो 4 ये साइड आपके पास क्या हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर, और ये साइड आपके पास क्या रहेगी, 4 सेंटीमीटर ही रहेगी, और ये आपके पास जो ब्रेड है ये भी आपके पास 4 सेंटीमीटर रहेगी। यानी रिजल्टिंग जो क्यूबोर्ड आएगा, जो आपके पास क्यूबोर्ड आएगा उसकी लेंथ आपके पास हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, ब्रेड हो जाएगी 4 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। क्या बताना है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होगा, 2 × LB + BH + HL। तो 2 × लेंथ आपके पास 8 है, ब्रेड आपके पास 4 प्लस 4 × 4 + 4 × 8। तो यहां से वैल्यू क्या आएगी, 2 × 32 + 16 + 32। तो यहां हो जाएगा 2 × 80, यानी रिजल्टिंग जो आपके पास क्यूबोर्ड आएगा उसका सरफेस एरिया स्टूडेंट्स क्या आएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। सेकंड है, कहते हैं विसल इन द फॉर्म ऑफ ए होमो होलो हेमिस्फीयर माउंटेड ऑन ए होलो सिलेंडर। कहते हुए एक हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर क्या रखा गया है, एक होलो सिलेंडर रखा गया है, एक खिलौना इस शेप में है। तो ऐसे करेंगे तो आपके पास दोनों की रेडियस क्या आएगी, सेम आएगी, रेडियस छोटी बड़ी नहीं हो सकती है। इसकी टोटल हाइट क्या गिवन है, टोटल हाइट में कहता है ये इसकी 13 सेंटीमीटर है। तो यहाँ रेडियस क्या गिवन है, रेडियस की वैल्यू कहता है R = आपके पास है डायमीटर, आपके यहां पे आपके पास क्या है 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगी आपके पास 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 हो जाएगा। तो ये हाइट आपके पास क्या रह जाएगी, h यहां रह जाएगी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल हमारा कितना है 13 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 7 है, ये पार्ट आपका रह जाएगा 6 सेंटीमीटर। यानी r आपके पास क्या है, रेडियस दोनों की सेम है, ये है 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आपके पास क्या आएगी, 6 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वायर। इस स्क्वायर का क्या बताना है, इनर सरफेस एरिया ऑफ दिस विसल। इनर सरफेस एरिया क्या आएगा, इनर सरफेस एरिया, यानी इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRh, और यहां हेमिस्फीयर का क्या होता है, 2πR2। क्या करें, दोनों में से 2πR को कॉमन निकालते हैं, यहां रह जाएगा h और यहां रह जाएगा r की 1 पावर। 2 × π की वैल्यू क्या है, 22/7, रेडियस की वैल्यू 7, हाइट आपके पास क्या है 6, और रेडियस आपके पास क्या है, ये है 6 और ये है 7, दोनों का सम आपके पास क्या आएगा 13। ये आपका क्या हो जाएगा, 7 से 7 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 44 × 13, ये आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से जो विसल आएगा उसका आपका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इनर 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। थर्ड क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, रीड करते हैं। थर्ड में कहता है ट्वाइन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ ए रेडियस 3.5 माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। इसके ऊपर क्या रखा गया है, किसके ऊपर रखा हुआ है, कौन, हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। तो ये आपके पास है कौन है,
जिसकी रेडियस क्या बताएगी है, रेडियस है आपके पास 3.5। ये किस पे रखा है, हेमिस्फीयर पे रखा गया है इसको। तो इस प्रकार दोनों की रेडियस क्या है, आर की वैल्यू सेम रहेगी, आर आपके पास क्या है 3.5 सेंटीमीटर। फिर कहते हैं इसकी टोटल आपके पास हाइट कितनी है, टोटल हाइट हमारे पास है 15 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर। तो यहां हाइट क्या रह जाएगी, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट रह जाएगी 15.5 माइनस 3.5, तो हाइट रह जाएगी आपके पास 12 सेंटीमीटर। रेडियस और एस आपके पास क्या है 12 सेंटीमीटर। कैसे किया आपने इसको, इसमें क्या 15.5 में से रेडियस को 3.5 माइनस कर दिया है, ये हमारे पास ये हाइट रह जाती है, ये हाइट। ठीक है, अब हमें पता है इसका निकालना क्या है, इसका निकालना है आपको फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, बाई इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो सरफेस एरिया आपके पास कौन का आएगा, कौन का सरफेस एरिया क्या आएगा, पाई आर एल। तो एल नहीं है हमारे पास, तो पहले क्या निकाल लें, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास एल इज इक्वल टू का रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल की वैल्यू साइलेंट हाइट आपके पास ये आएगा 12 का स्क्वायर, ये आएगा 3.5 का होल स्क्वायर, ये आएगा 144 और ये आएगा 12.2। ये वैल्यू क्या आएगी, ये आएगा आपकी 156.25, ये आएगा 12.5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यानी एल की वैल्यू क्या आ गई है 12.5 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है, निकालना हमें सरफेस एरिया ऑफ दिस, सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉय, इस टॉय का सरफेस एरिया। ये आपके पास क्या हो जाएगा, सी एस ए ऑफ कौन प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। सी एस ए ऑफ कौन क्या आएगा, पाई आर एल, और हेमिस्फीयर क्या आएगा 2 पाई आर स्क्वायर, कॉमन क्या है पाई और आर। तो यहां रह जाएगा आपके पास एल, या हम दोनों के वैल्यू ऐड करते हैं 2/7, रेडियस क्या है 3.5, तो बाई में क्या आएगा 10 आ जाएगा, एल हमारे पास क्या है 12.5, तो इसका बाई में 10 आएगा, प्लस 2 × π की वैल्यू वही 22/7, आर स्क्वायर यानी 3.5 था, तो दोनों का टेंशन हटा, बाई में क्या आएगा 10 आएगा, 7/5 था, एंड 5 से आपके पास क्या आएगा 2, और 2 से क्या आएगा 11। 5 की टेबल से फिर कैंसिल आउट कर देते हैं इसको, 5 से 5 × 10, 5 × 5 = 25, एंड 5 × 2 = 0, तो यहां से वैल्यू क्या आएगी, बाई 2 प्लस यहां से वैल्यू क्या आती है 7 × 5 = 10, 5 × 2 = 10, 2 से आपका 2 कैंसिल आउट, 5 ये हो जाएगा आपके पास 5 × 7 = 0, एंड 5 × 2 = 0, और 2 से आपके पास क्या आएगा 11, एंड 11 × 7 ये हो जाएगा 77। और इस सारे को हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू क्या आएगी, ये आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ एलसीएम लेके या इसका इसको डिवाइड करके इसको हम क्या कर लें, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, एंड 0.5 इन दोनों क्या करते हैं हम प्लस करते हैं, तो वैल्यू आएगी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो साथ साथ सब्सक्राइब करते रहें चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सराउंडेड बाय ए हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। तो कहते हैं ये क्यूबिकल ब्लॉक है, सबसे पहले बना लेते हैं हम, ये आपके पास सपोज क्यूबिकल ब्लॉक है, ओके, यहां आपके पास क्या है, इसके ऊपर एक क्या है, एक हेमिस्फीयर रखा गया है, चलो हेमिस्फीयर हमने ये रख दिया है। तो पहला क्वेश्चन है, इस हेमिस्फीयर का जो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, तो इसका जो डायमीटर है वो इसकी साइड के इक्वल होगा, और साइड का क्यों ना, यहाँ पे साइड है 7 सेंटीमीटर, देयरफॉर डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आगे समझ में, नेक्स्ट है फिर करता है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ये जो सॉलिड आया है इसका आपको सरफेस एरिया बताना है। What do you mean by the surface area? Surface area का meaning क्या है? Surface area का meaning है the part of the object touched by ourself. वो हिस्सा किसी object का जो object touch होता है। तो आप इस object में, इस diagram में ये value बताएं कि कौन सा part object touch होता है। देखो एक तो 6 surface है इसके। Very good. एक हिस्सा क्या है? इसके ऊपर क्या है? अर्ध गोला रखा हुआ है। उसका surface add हो जाएगा। Minus वो हिस्सा का जो object touch नहीं हो रहा है।
यानी बेस ऑफ द हैवी स्फीयर। हम कटोरी को ऐसे रख देंगे तो सर्कल वाला पार्ट हमसे टच नहीं होगा क्योंकि वो आपका हिडन हो जाएगा, तो उसको हमें क्या करना है, यस उसको हमें माइनस करना है। तो क्या करेंगे, नाउ सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग शेप, इस शेप का सरफेस एरिया क्या आएगा, दैट इज क्या आएगा भाई, एरिया ऑफ कौन सा एरिया भाई, सीएसए क्या है आपके पास, टीएसए टोटल सरफेस एरिया प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर माइनस बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, और बेस एरिया क्या है, सर्कल है, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहां साइड की वैल्यू, रेडियस आपके पास क्या हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर, और साइड क्या है आपके पास, साइड है 7 सेंटीमीटर। और बता दें स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 5 है बिल्कुल एग्जैक्ट आपको यही करना है, आ गया समझ में, यस। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसमें हम अटेम्प्ट पे नहीं करेंगे। तो यहां आपके पास टोटल सर्फेस एरिया क्यूब क्या होता है, ये 6 साइड स्क्वायर, और सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर ये होता है आपके पास 2π आर स्क्वायर माइनस बेस एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और 6 × साइड स्क्वायर, साइड आपके पास क्या है 7 स्क्वायर, 2π स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो 6 × 49 प्लस पाई की वैल्यू क्या है 22/7, रेडियस क्या आपके पास 7/2 × 7/2, अगर सोल्व मत करो इसको, माइनस करो 2π² - π² दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, 7 से 7 कैंसिल, 2 से आपके पास क्या हो जाएगा 11, और यहां से आपके पास मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगी, मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा आपके पास 294 प्लस यहां से क्या आएगा 77, 11 × 7 = 77 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 38.5, इसको क्या करें हम ऐड कर दें, तो ये तो हो जाएगा 0.5, 8 और 4 क्या हो जाएगा 12, और 3 and 8 13, और ये हो जाएगा आपके पास 1 carry 3 handle 13 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास क्या जाता है, इसका सरफेस एरिया जाता है जो आपके पास सामने ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको यही अटेम्प्ट करना है, ठीक है, इस पे आपके पास एग्जांपल भी है, हर क्वेश्चन करते हुए हमें डायग्राम को रिकॉग्नाइज करना है, ए पार्ट विच वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया इज दैट एरिया दैट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट टच बाई आवरसेल्फ, वो हिस्सा जो हमसे टच होता है, जो पार्ट टच नहीं होता है उसको हमें क्या करना है, उस एरिया में से माइनस करना है, उसमें से हटाना है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, कहते हैं ए मेडिसिन कैप्सूल इन द फॉर्म ऑफ द गिवन शेप सिलेंडर एंड टू हेमिस्फेरिकल स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स, द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, फाइंड द सरफेस एरिया। देखो आपके सामने क्या है, ये स्टूडेंट्स आपके सामने कैप्सूल है, ये जो एंड है इसके ये सर्कुलर है, आगे समझ में, ये सर्कुलर एंड है, ठीक है, यहां पे भी हम सर्कुलर बना लेते हैं। देखो आपके सामने कैप्सूल लेते हो आप, ये कैप्सूल है, ठीक है, तो इसमें देखो वैसे कैप्सूल आपके पास इसी टाइप का होता है, तो बीच में क्या है आपके सामने, हमारे पास बीच में है ये हेमिस्फेरिकल पार्ट हो जाएंगे ये दोनों, और टोटल जो लेंथ है इसकी वो है 14 mm, आगे सुन में, ये जो आपके सामने इसका डायमीटर है वो है 5 mm, देयरफॉर रेडियस क्या हो जाएगी आपके पास, रेडियस हो जाएगी 5/2 mm, और हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट मतलब ये ऊंचाई, ये लेंथ क्या रह जाएगी हमारे पास, देखो 14 में से 5/2 यहां से और 5/2 इधर से, कितने 5/2 हो जाएंगे, 2 5/2 ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 14 - 5, ये हो जाएगा 9 mm, ये इस पार्ट की लेंथ रह जाएगी 9 mm, ओके। नाउ आपको बताना है सरफेस एरिया, नाउ सरफेस एरिया ऑफ द शेप या कैप्सूल क्या आएगा, इसका आएगा दोनों आपके पास सर्कुलर एंड्स का सीएसए और सिलेंडर का, सीएसए ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट,
पार्ट प्लस 2 मल्टीप्लाई सी एस ए ऑफ हेमी स्फीयर। देखो आपके पास ये सिलेंडर है, सिलेंडर का आपके पास सी एस ए यानी 2 पाई आर एम एक्स प्लस प्लस आपके पास क्या है ये सर्कुलर एंड है, एक का होता है आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर हेमी स्फीयर का और दो है तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर एम स्क्वायर। कॉमन निकालो, क्या कॉमन है 2 पाई आर कॉमन है तो यहां रहेगा एच और यहां रहेगा 2 आर, 2 पाई की वैल्यू 22/7 रेडियस आपके सामने है 5/2 इंटू हाइट आपके पास क्या है, देखो ये हाइट है 9 सिलेंडर की हाइट क्या है 9 और रेडियस का डबल यानी 5/2 का डबल तो 2 से 2 कैंसिल वापस क्या हो जाएगा वापस हमारे सामने 14 हो जाएगा, 7 × 2 = 14 2 से 2 कैंसिल आउट तो यहां से वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है ये हो जाएगा 110 मल्टीप्लाई 2 यानी 220 एम एम स्क्वायर, ये आपके पास टोटल क्या आएगा इसका सी एस ए आ जाएगा। ओके नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 लिखा था 7 ए टेंट इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप, सिलेंडर की शेप में उसके ऊपर कॉनिकल टॉप रखा हुआ है ओके सरमाउंटेड ऊपर से घिरा हुआ है रखा हुआ है। If the height of the diameter of the cylindrical part is 2.1 and 4 meter, height 2.1 है and diameter क्या है 4 meter है। देखो बनाते हैं shape, बनाते हैं इसकी सबसे पहले ये हमने सिलेंडर बनाया ओके okay? ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स ये सिलेंडर है और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है कोनिकल टॉम रखा हुआ है इसके ऊपर, तो इसकी क्या बताएगी हमें इसकी टोटल कहता है इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, इसकी हाइट आपके पास क्या है 2.1 मीटर और डायमीटर क्या है डायमीटर है आपके पास 4 मीटर देयरफॉर रेडियस क्या आएगी यहां से रेडियस आएगी डायमीटर की हाफ यानी क्या आएगी 2 मीटर आ जाएगी ठीक है। एंड द सिलेंड हाइट ऑफ द टॉप इज, इसकी सिलेंट हाइट यानी एल की वैल्यू क्या है 2.8 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट, कहता है इस टेंट को बनाने में जो एरिया लगेगा वो आपको बताना है और कहता है आल्सो यदि इसको हम कवर करते हैं किसी कैनवास से तो फाइंड द कोर्स और बताना है, कोर्स बनाना है पर मीटर स्क्वायर के ऊपर क्या है 500 रुपीज ओके। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द टेंट, तो स्टूडेंट पहले मेरे को आप ये बताओ आपको कैसी शेप दिख रही है उन्हीं शेप के सरफेस एरिया आप प्लस करो यानी क्या करेंगे सी एस ए दो शेप है एक वन ये और दूसरी ये तो सी एस ए ऑफ कौन प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर, कौन का सी एस ए होता है आपके पास पाई आर एल और यहां होता है आपके पास 2 पाई आर एच। अब देखो आर दोनों की सेम है आपके पास पाई आर यानी 22/7 पाई आर कॉमन निकालो इसमें से ओके पाई की वैल्यू क्या है ये है पाई आर कॉमन यहां रह जाएगा एल प्लस पाई आर जाने के बाद यहां रह जाएगा 2x कॉमन आपके पास ठीक है। पाई की वैल्यू क्या है 22/7 रेडियस आपके पास है 2 मीटर सलेंट हाइट है 2.8 डेसिमीटर बाय में 10 आएगा प्लस हाइट का डबल आपके पास क्या है 2 यानी क्या आएगा 4.2 यहां से क्या आएगा ओके तो यहां से वैल्यू आएगी आपके पास 44/7 और यहां से वैल्यू आएगी आपके पास दोनों को प्लस कर दें इधर यहां से आ जाता आपके पास 70 और बाय में क्या आएगा आपके पास 10 आएगा ठीक है। यहां 0 से 0 कैंसिल आउट 7 = 7 यानी यहां आ जाता है 44 मीटर स्क्वायर आपके पास इस टेंट का एरिया आ जाता है स्टूडेंट्स, इस टेंट का क्या आ जाता है आपके पास एरिया। अब आपको क्या निकालना है टोटल कॉस्ट ऑफ द कैनवास, टोटल कॉस्ट ऑफ द कैनवास तो कॉस्ट ऑलवेज क्या आएगा रेट और मल्टीप्लाई एरिया, फिर रेट क्या है रेट है 500 और एरिया आपके पास क्या है 44 क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर 500 है 5 × 4 = 20 एंड 2 = 22 और ये आपके पास 20 तो कितना रुपीज हो जाएगा स्टूडेंट 22
1000 रुपीज इसके कन्वेक्स का रेट हो जाएगा, टोटल कॉस्ट हो जाएगा। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। कहते हैं एक सॉलिड सिलेंडर है तो सबसे पहले हम सिलेंडर की शेप बना लेते हैं। ओके तो ये आपके पास क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर है। ओके तभी इसमें से क्या किया जाता है, इस सॉलिड सिलेंडर में से कौन है ना, कौन निकाला जाता है सेम बेस और सेम हाइट का। तो यहां से इसकी हाइट क्या है, टोटल हाइट है आपके पास, टोटल हाइट है हमारे पास 2.4 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर है 2.4 सेंटीमीटर। रेडियस क्या है आपके पास, रेडियस हमारे पास है रेडियस ऑफ द बेस, ये आर है आपके पास, ये एच हो जाएगी, यहां आर आ जाएगी। आर आपके पास क्या है, 2.1 पॉइंट डायमीटर सॉरी, तो 1.4 डिवाइड बाय 2 ये हो जाएगी 7 बाई 10 सेंटीमीटर। ओके फिर कहता है कि इसी में से एक कोन निकाले जाता है सेम हाइट, और ये कोन निकाल हमने एक इसमें से कोन क्या कर दिया, इसमें से निकाल लिया है। ओके फिर कहते हैं तो रिमेनिंग है ना इसका, आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो सबसे पहले मैं आपको एक ये शेप समझा देता हूं, जैसा कि हम बता चुके हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय सरफेस एरिया, दैट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वी कैन टच। देखो ये जो सरफेस टच हो रहा हमसे, ये भी टच हो रहा है, ये भी टच हो रहा है। अब इसमें से देखो, इसमें से ये शेप निकालने के बाद ये सरफेस भी आपसे क्या होगा, ये सरफेस भी टच हो रहा है, मतलब ये प्लस ये टॉप एरिया प्लस सिलेंडर का आपके पास सीएसए प्लस जो अंदर शेप आपकी कैसी बन गई कोन की, वो भी एरिया आपका क्या होगा, प्लस होगा। आगे समझ में तो करें इस क्वेश्चन को, करते हैं। नाउ क्या लिखा आपने, नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ये सॉलिड का क्या आएगा, रिमेनिंग का सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन प्लस टॉप एरिया ऑफ द सिलेंडर। देखो यहां पे तो सॉलिड है तो ये शेप बची हुई है, सर्कल क्या आएगा, टॉप एरिया ऑफ सिलेंडर। तो यहां आपके पास CSA ऑफ सिलेंडर क्या आएगा, 2πRh प्लस CSA ऑफ कोन क्या आएगा आपके पास, ये आएगा πRL प्लस टॉप एरिया क्या आएगा, टॉप आएगा सर्कल है, ये आएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर। तो यहां हमारे पास क्या नहीं है, इसकी एल नहीं है, तो एल को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एल आपके पास क्या आएगा, रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच का स्क्वायर भी 0.7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास 0.49 और प्लस आपके पास हाइट क्या है 24 का स्क्वायर 5.76 और ये हो जाएगा 6.25, यानी आपके पास एल आएगी 2.5 सेंटीमीटर आपके पास एल आ जाती है। करना क्या है, यस इसमें समझा गए, सिंपलीफाई करते हैं, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस क्या है 7/10, हाइट क्या आपके पास 2.4 यानी 224/10 प्लस पाई वही 22/7। देखो इसमें से पाई को तो कॉमन ही निकाल लेता हूं, इजी रह जाएगा, ठीक है कॉमन निकाल लेते हैं, इजी रहेगा। क्या कॉमन निकाले हमने, पाई और आर, पाई आर यहां से जाएगा तो यहां रहेगा 2h, यहां रह जाएगा l और पाई आर जाने के बाद आर की सिंगल पावर। अब वैल्यू करोगे तो पाई की वैल्यू क्या है 22/7, रेडियस क्या है 0.7 है यानी 7/10, 2 × हाइट, हाइट का डबल यानी 2 × 2.4 प्लस l आपके पास क्या है 2.5 प्लस r क्या है, आर आपके पास है 0.7 7/10। सिंपलीफाई करें, इसका क्या आएगा वाई में 10, इसका क्या आएगा वाई में 10, ठीक है यहां 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये है 22/10 इंटू, सिंपलीफाई करते हैं यहां पर देखो क्या आएगी 48, यहां आएगा 25 और ये है 7 यानी क्या आ गया 70/10। ये 80 आएगा स्टूडेंट, क्या आएगा 80/10, तो 10 से 10 कैंसिल आउट, 22 एट जा 176
बाई 10 यानी क्या आएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट अगर नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा ना तो ये क्या आएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज नाइन्थ और लास्ट क्वेश्चन में कहता है स्टूडेंट्स ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय द स्कोपिंग आउट ए हेमी स्फेरिकल फ्रॉम ईच ऑफ द एंड्स ऑफ द सॉलिड सिलेंडर एंड सोन इन दिस शेप बिन। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस रेडियस इज 3.5 फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। देखो आपके पास क्या है, ये सिलेंडर है, सबसे पहले हम एक सिलेंडर की शेप बना लेते हैं। ओके ये हमारे पास है सिलेंडर, स्टूडेंट्स ये हमने क्या बना लिया, कहते हैं दोनों एंड से हेमिस्फीयर निकाले जाता है, यहां से भी निकालिए हेमिस्फीयर और इधर से भी। ऐसा करने के बाद ये कहते हैं जो रिमेनिंग आपके पास रह जाता है उसका आपको क्या बताना है एरिया। ये सॉलिड निकाला जाता है आप यहां से, ओके ये सॉलिड निकाला जाता है तो रिमेनिंग क्या रहेगा इसकी क्या बताएगी, टोटल हाइट आपके पास रेडियस तो है आपके पास यहां रेडियस है 3.5 सेंटी और हाइट आपके पास क्या है एच की वैल्यू ये है 10 सेंटीमीटर। अब आपके पास जो ये शेप रिमेनिंग रह जाएगी उसका आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है। नाउ क्या लिखेंगे, नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ये क्या आएगा आपके बारे में सॉलिड का, पहले तो सबसे पहले सिलेंडर ऐड हो जाएगा सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस। अब आपको पता है ये ऐसी जो शेप है ना हेमिस्फीयरिकल शेप इसके अंदर बन गई है, अंदर डाउन में भी और अप में भी, और एक हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया था 2π r² दोनों का ऐड कर लेंगे क्या आएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई सी एस ए ऑफ हेमी स्फीयर, तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या आएगा 2π r h और यहां से क्या आएगा 2 × 2 यहां क्या होता है 2π r² कॉमन लेना चाहते कॉमन ले लो क्या कॉमन आएगा 2π r कॉमन, यहां रह जाएगा h और यहां रहेगा 2r, 2π की वैल्यू क्या है 22/7 रेडियस क्या आपके पास 3.5 यानी 35/10 हाइट क्या है 10 है और रेडियस का डबल 3.5 का डबल क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ 7 × 5 = 35, 5 × 2 = 10 और 2 से 2 कैंसिल यहाँ हो जाएगा 22 और इंटू क्या होगा 10 + 7 ये हो जाएगा 17 34 × 7 = 34 and 3 = 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हो जाती है, जल्द ही नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके हाजिर होंगे और सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो। ओके थैंक यू, हैव अ नाइस डे।